मीरा भाईंदर शहर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। इस अवसर पर मनपा आयुक्त सहित महापौर ने दी शहरवासियों को शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन उसूलों पर चलकर स्वराज्य की स्थापना की थी, उन्हीं उसूलों पर चलने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह का शपथ आज मनपा आयुक्त सी के डांगे ने की। आज शहर में विभिन्न जगह पर शिव जयंती का उत्सव मनाया गया। शिवाजी महाराज जी ने जिन उसूलों पर स्वराज्य की स्थापना की थी, उन्हीं उसूलों पर चलने की हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने जिस तत्वों पर राज्य कारभार किया था, उसी आधार पर हम प्रशासन चलाने की कोशिश करेंगे। शिव जयंती के अवसर पर हम सभी नगरवासियों को शुभकामना देते हैं और उनके उसूलों पर चलने की सलाह देते हैं। धन्यवाद। आज पूर्ण शहर में उनकी जो जन्म जयंती है, आज साजरा करने के लिए सभी मीरा भाईंदर के लोग आज बाहर आए हैं और उनकी जयंती खूब धूमधाम से मना रहे हैं। मैं पूर्ण शहरवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ कि वह महापुरुष के हमें प्रेरणा लेने लायक है। वो महापुरुष थे, उनके प्रेरणा, उनके पराक्रम कोई भूल नहीं सकता है। इसीलिए वो सभी कार्य हम आज उनकी उपस्थिति में हम बताएंगे। आज गोड़बंदर किले में भी उनका जन्म जयंती उत्सव साजरा करने जा रहे हैं, तो मैं सभी को आमंत्रित भी करती हूँ कि सभी वहाँ आए और उनके दरबार को वहाँ पे देखें और किस तरह उनके पराक्रम, उनकी प्रेरणा हम ले सकते हैं, वैसा हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव देखेंगे। मैं फिर से एक बार पूर्ण शहरवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, नमन और वंदन करती हूँ। गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तानं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण निर्माण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी सकाळीच शिवनेरी किल्ल्यावर जाऊन शिवजयंतीच्या निमित्तानं सगळ्या महाराष्ट्रातील जनतेला त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। आणि ज्या राजानं हा महाराष्ट्र घडवला, ज्या राजानं हा हिंदुस्थान घडवला, त्या राजाच्या जयंतीच्या निमित्तानं मीरा भाईंदर शहरातील माझ्या संपूर्ण जनतेला, ठाण्यातील जनतेला मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो।